खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और चाय पर चर्चा में आज हम हैं बिहार के बांका में। एक तरफ दूध खोल रहा है और दूसरी तरफ दूध की चाय बन रही है। आहा, ये जो दूध की चाय में फेंटे लग रहे हैं ये राजनीतिक परिदृश्य को समझाने के लिए एकदम उपयुक्त हैं, परफेक्ट हैं। जैसे जैसे राजनीति का पारा बढ़ रहा है, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से ये चाय खोलती जा रही है। आजकल राजनीतिक माहौल भी ऐसा ही है और बांका में तो खैर ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पुतल देवी जो हैं वो खेल बिगाड़ सकती हैं। भैया चाय दीजिए तो चर्चा शुरू की जाए। तो हम चाय का कुल्लड़ लेंगे और उसके बाद क्या मसाला डाल दिया आपने। ये आजकल राजनीति में भी ऐसे ही, जो चाय पक रही है ना उसमें ऐसे ही मसाला डल रहा है टेस्ट बढ़ाने के लिए। फिल्मी सितारे आ जा रहे हैं, है ना, कई राजनीतिक पार्टियां देखिए फिल्मी सितारों को ले रही हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन आप का ले लेता हूं, इतनी लाजवाब आप चाय बना रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप बनेगा, मोदी सरकार बनेगा सर, फिर से मोदी सरकार बनेगा। तो आप चाय वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं कि और कोई वजह? उसका करती पे बोल रहे हैं, उसका काम अच्छा किया है। अच्छा, और ये चाय को छानने का तरीका भी वाकई में बहुत अच्छा है। काश राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार भी इसी तरीके से छान करके लेती और उन्हें टिकट देती तो जनता को इतनी दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं होता। चलिए भैया तो यहां खड़े तो बाहर जाएं, उससे पहले जब तक चाय का कुल्लड़ सबके हाथ में आए एक एक ठोर राय का जो है वो दौर हो जाए। कौन बने प्रधानमंत्री इस बार? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का नाम ऐसे आप हवा में ले देते हैं, बताइए काहे बनेंगे? वो काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, युवाओं की बहुत समस्या है कि रोजगार नहीं दिए मोदी जी। रोजगार नहीं दिए मान रहे हैं, लेकिन वो और भी काम उसके साथ साथ अच्छे अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है कि और जब आगे करेंगे, जब सब चीज सेटअप होगा तो रोजगार भी युवाओं के लिए अच्छे अच्छे लाएंगे, हमारी यही उम्मीद है उनसे। यही उम्मीद है, देखिए मोदी जी आपके पीछे आकर खड़े भी हो गए। कौन बने भैया प्रधानमंत्री, क्या बता सकते? मोदी जी बनेंगे जी। ये देखिए मोदी जी आपको चिपका लिए, गल भैया दे दिए आपको। कौन बने भैया प्रधानमंत्री? मोदी जी। भैया मेरी चाय कहाँ है? हाँ, तो चाय लेके बाहर चलिए, इधर थोड़ा बाहर आई तो बाहर भीड़ बहुत है, बात की जाए। चाय चल रहा है, ये गोदी बहुत जल्दी भरेगा मोदी जी का। बहुत खुश हैं आप मोदी जी से? मोदी खुश हैं, गरीबों को बहुत आराम दिया है। अच्छा, ये देखिए चाय, लाजवाब भैया ले लीजिए चाय, आप लोग सब ले लीजिए, पीजिए चाय, लीजिए चाय, लीजिए भैया चाय लीजिए, उठाइए सर, उठाइए भैया चाय। वाह वाह, क्या चाय बनी है, लाजवाब चाय बनी है। तो भैया आइए सर, उठाइए चाय, उठाइए चाय, चाय ले लीजिए, फिर चर्चा शुरू की जाए। आइए भैया सफेद साफे वाले, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों बनेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? एक्चुअली सर उन्होंने मिला जुला कर अच्छे काम किए हैं, क्योंकि अभी उनका फाइव ईयर ही हुआ है और अभी उनका जो भी है, जो भी सिस्टम स्लो था उनको ये दुरुस्त कर रहे हैं और आने वाले समय में और ये दुरुस्त करेंगे। इनके पास प्लानिंग है बहुत अच्छा है, युवाओं को भी लेके चलने में इनके कैपेसिटी है, क्योंकि युवाओं के लिए अभी सोच रहे हैं, पूरी बढ़िया से कर नहीं पाए लेकिन और करेंगे। चलो बैठ जाते चाय लेकर के, मजे से बैठा जाए। बैठो भैया, आओ आ जाओ भैया बैठो, अरे बैठो भाई, आइए बैठिए, आइए बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। 72,000 रुपया साल का मिलेगा इसलिए? 72,000 ना, युवाओं को 5 वर्ष तक सिर्फ जो है ना साग सब्जी दिखा के ही ठका गया है, कोई रोजगार नहीं बांका में या कहीं पूरे बिहार में, कोई एक इंडस्ट्रीज बता दे 5 साल में, कहीं कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होगा, इनका सोच जो है युवाओं के लिए कुछ करने का है, राहुल गांधी का। क्वेश्चन ये, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। और ये सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये सबसे बड़ा अभी सामने जो है हमारे देश के लिए बहुत हित की बात उन्होंने कहा है और किया है और प्रमाण करके दिखाया है, इसीलिए हर परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ही बने। आप देश के युवा हैं भैया, बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए मोदी जी ने जो कि देश के हित के लिए काम किया है तो हमारे हिसाब से तो मोदी जी ही बनने चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छा, देश हित के लिए काम किया आपको लगता है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है, वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है। देखिए कौन चोर है कौन इंसान है वो तो सामने तो जो रिजल्ट है वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष और जनता सब लोग देख रहा, हम लोग भी सब लोग जान रहा है, ठीक है, कौन चोर है कौन इंसान है वो सबको पता है।
राहुल जी को बोलने के लिए जो चोरी वाला बात बोलता है वो बात को नहीं बोलना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किस शब्द से किस तरह से बोलना चाहिए, वो तो नरेंद्र मोदी करते हैं। मान लिया अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे तो क्या होगा, इससे आने वाला समय में हमारे बाल बच्चे का भी जो वातावरण गलत हो जाएगा। अच्छा, मतलब राहुल गांधी आपके बच्चे को बिगाड़ रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। देखिए कितने अद्भुत विचार निकलते हैं जनता में से। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी बनेंगे, कर्मठ है, उस देश में जो है जो काम जो कही है वो दूसरा को नहीं कर सका। अच्छा अच्छा, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, लोग कह रहे रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार का बात हुआ था, 15 लाख रुपया नहीं आया आपका अकाउंट में, आया का 15 लाख? अरे हमको नहीं आया, जिसको तो आने भी नहीं किया है, बात नहीं है, जो काम कर्मठ है कम तो उसी को ना आएगा ना। अच्छा, इसलिए तो उसको वोट देना चाहिए हमको, इसलिए वोट। अच्छा भैया आगे आ जाओ। अरे आई जाओ आगे। कौन बने प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। क्या हो गया, क्या था आपका? पहले बोल चुके हैं आप मोदी जी बनेंगे, अभी पहली बार बोल रहे हैं ना। अच्छा, मुझे लगा एक सी शक्ल जुड़वा भी है क्या आपका कोई इधर ब्रदर उधर? जुड़वा नहीं। अच्छा, तो बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। काहे? काम कर रहे हैं देश में कुछ। क्या काम कर रहे हैं? अच्छा बताओ क्या काम कर रहे हैं मोदी? अरे काम तो वही जो आदमी को गरीब को देखता है कुछ का रोजगार धंधा, जैसे प्रधानमंत्री का आवास योजना ये सब लागू किया है। अच्छा, उसका फायदा मिलता दिख रहा है, लाभ भी हुआ है उसका? कुछ तो लाभ हुआ है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जनहित में जो काम कर रहे हैं वो अच्छा हुआ? गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा आपको ऐसा लगता है? कितनी सीटें चाहिए आपको मालूम है ना प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हाँ मालूम है। तो फिर कितना सीटें आ जाएगा गठबंधन का? कम आएगा। चलिए, गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? खैर ये तो गठबंधन वाले भी नहीं जानते, लेकिन आप यहाँ तो आला कमान तय करेगा। भैया कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मेरा तो उम्मीद लग रहा है कि मोदी ही बनना चाहिए। अच्छा, आपकी उम्मीद ऐसी क्यों लग रही है कि मोदी बनना चाहिए? मोदी जी काम अच्छे किए हैं। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया साल का हम गरीबों को देंगे। वो तो घोषणा सभी करते हैं सर, लेकिन करते कोई नहीं है। मोदी जो भी किए हैं ठीक। घोषणा तो मोदी ऐसा लोगों का मानना है कि 15 लाख तो मोदी ने भी नहीं दिए जी। दिए तो नहीं है, लेकिन गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे किसानों के खाते में दे रहे हैं। कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री? एक सेकंड। कहा गया है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रखकर हाथ का ये देश के आजाद है, कोठियों से मुल्क की मियार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। चलिए इधर कैमरे की तरफ मुंह कर लीजिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेंगे। काहे? इसलिए कि कुछ इधर उधर हो रहे थे, लेकिन जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक जो किए हैं, एयर स्ट्राइक, जी वो सब अभी वोट गोलबंद हो गए हैं, और उन्हीं को वोट देके केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। एयर स्ट्राइक के अलावा आपको लगता है कि मोदी सरकार ने ऐसा कुछ काम किया? वो भी एयर स्ट्राइक भी तो हमारे एयरफोर्स ने किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके अलावा मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम किया है कि उनको आना चाहिए? जी अभी अगर कहिए तो देश में अगर प्रधानमंत्री लायक लोग हैं, और विश्व में अगर कोई अपना वक्तव्य देने में अगर ये हो रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जी तो देखिए, हाँ बोलिए भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, और इनके संरक्षण में विकास के काम बहुत आगे हुए। हमारे अपने पंचायत के पहले साल में 5 को 10 को इंदिरा आवास आते थे, अभी के डेट में साल को एक साल में 100 को प्रधानमंत्री की योजना आता है न। और इसके लोग सभी जाति सभी वर्गों में इनको वोट देने का मन बना लिए हैं। देखिए आम आदमी को सच में रिप्रेजेंट करने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक आप भी हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा करके आप बोले हैं, अब ये भी बताइए क्यों बनेंगे? इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो योजना उसका लाभ मिल रहा है? हमको मिले या ना मिले, लेकिन उनका देखते हैं कि हर काम में अच्छा है। अच्छा, आपको लगता है इसलिए उनको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? तो 56 इंची का ही सेना चाहिए। आज से जब मेरा होश में इस तरह का प्रधानमंत्री कोई काम नहीं किया है सर। हाँ आज मेरे होश में इस तरह प्रधानमंत्री बारंबार बनते रहे और देश का विकास करते रहे। हमारा तो देश की जनता, बिहार की जनता नहीं, बांका की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ये चाहती है कि प्रधानमंत्री ऐसा बनना चाहिए जो काम करता रहे। और फिलहाल जो वोट प्रतिशत है आम जनता की राय शुमारी का,
वो आप देख रहे हैं कि मोदी के पक्ष में जा रहा है। राहुल की भी आवाजें उठ रही कि राहुल भी बन सकते हैं, भैया आपको भी बधाई हो, आपका भी नाम ले रहे हैं लोग। लेकिन महागठबंधन की भी अब यहां सुगबुगाहट है कि महागठबंधन से भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तो ये लोगों की राय शुमारी है, लेकिन लोगों का किसी एक राय पे कायम ना होना ये बताता है कि अभी बहुत काम होना बाकी है। ये सिर्फ चाय पर चर्चा थी जिसमें हमने लोगों का मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन लोगों के मन में क्या है वो तो खैर 23 मई को ही पता चलेगा। हम बांका में चाय पर चर्चा कर रहे थे, एबीपी न्यूज देखते रहिएगा। अगले ठिए पर फिर चाय के साथ डिफरेंट अलग अलग लोगों के साथ बैठेंगे और फिर पूछेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।